हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद की डे 22 की एक्सरसाइज का सलूशन। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो इसका टाइटल है उसमें है एज, हाउ टू नो एज डिफरेंस, है ना। तो आप यहाँ पर एक फैमिली के सदस्यों की एज के बारे में कैसे जानकारी करते हैं, क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है कि एक फैमिली दी हुई है, फैमिली उसमें फैमिली के मेंबर्स का फ़ोटो दिया गया है, जैसे कि दादाजी हैं, दादी जी हैं, और उनके बेटे हैं, बेटी है, और उनके बेटे की भी पत्नी है ना, और उनका बेटा है। तो यहाँ पर ये फैमिली दी गई है, इस साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये फैमिली है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि ये जो है, ये आपके ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पर दादी जी हैं, ठीक है, इनकी 68 है, और ये जो बाबा हैं इनकी, मतलब दादाजी हैं, इनकी एज है 75। केशव जो इनका बेटा है उनकी है 40, और जो इनकी नेहा बेटी है उनका 28 ईयर है, और जो केशव की वाइफ है उनकी 38 है, और केशव के बेटे की एज जो है वो 15 ईयर्स है ना, 15 साल का। तो ये था एक एज एज के बारे में कि किसकी कितनी एज है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वेद प्रकाश की बेटी की उम्र कितने वर्ष है, ठीक है। वेद प्रकाश कौन है, वेद प्रकाश की उम्र जो है 75 है, और उनकी बेटी कौन है, वो है नेहा। वेद प्रकाश ये हैं, मतलब जो फैमिली में दादा और दादी हैं, यानी जो वेद प्रकाश हैं, वेद प्रकाश के बच्चे जो हैं वो नेहा और केशव हैं। अब केशव के बेटे का नाम है दिनेश, ठीक, और उनकी पत्नी का नाम है रजनी। तो नेहा की जो एज है वो कितनी है, तो नेहा की एज है वो 28 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिनेश अपने पिता से कितने वर्ष छोटा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि दिनेश की एज कितनी है, 15 ईयर्स, ठीक है, और दिनेश के पिताजी कौन है, केशव। तो केशव की एज कितनी है, 14। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष छोटा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इनके पिताजी की एज है उसमें से दिनेश की एज जितनी है उसे माइनस करना है 15 ईयर्स का, ठीक। तो 14 माइनस 15 जब हम करते हैं तो कितना बचेगा आपका, 25, है ना। तो दिनेश अपने पिता से कितने वर्ष छोटा है, 25 ईयर, यानी 25 साल, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं केशव अपनी बहन नेहा से कितने वर्ष बड़ा है, यानी केशव और नेहा, है ना, ये हैं भाई बहन। तो जो नेहा है वो 28 ईयर की है, केशव जो है वो 40 ईयर, तो कितने बड़े हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, 14 माइनस 28 जब हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका, अगर हम 14 तो 12 ईयर्स, कितना बड़ा है, 12 ईयर्स बड़े हैं अपनी बहन से, कौन, केशव। फिर है दिनेश की उम्र के 5 गुना उम्र किसकी है। देखिए, दिनेश की उम्र है 15 ईयर्स, ठीक है, अब यहाँ पर 5 गुना उम्र आपको पता करना है। तो देखिए, दिनेश की जो उम्र है, तो पहली बात तो गुना पता करना है, तो गुना पता करने के लिए हमको क्या करना होगा बेटा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको सबसे पहले 15 मल्टीप्लाई 5, क्या करना होगा, 15 मल्टीप्लाई 5। अगर हम यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम 5 गुना एज पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 5। तो अगर 15 फाइव ज़ा देखते हैं तो कितना है, 15 फाइव ज़ा 75, है ना। तो आपको समझ में आया कि दिनेश की उम्र के 5 गुना उम्र किसकी है, उनके दादाजी की, किसकी है, दादाजी, है ना।
यहाँ पे लिखेंगे दादाजी की उम्र दिनेश की उम्र से 5 गुना ज़्यादा, यानी वो वेद प्रकाश जी की एज कितनी है, या फिर आप वेद प्रकाश नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप दादाजी भी लिख दे सकते हैं कि दिनेश के दादाजी की उम्र 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा की उम्र के आधे से 4 वर्ष ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे सीमा की उम्र कितनी, 68 है। ठीक है, सीमा की उम्र जो है वो 68 है और उसके आधे से ज़्यादा। अब यहाँ पर ये आपको देखना है, तो सबसे पहले अगर हमें सीमा की उम्र का आधा निकालना है तो क्या करना होगा, 68 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि 2 हाफ हमारा पार्ट है। तो अब सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको क्या क्या निकालना है, आपको इनकी एज सॉरी सीमा की उम्र की आधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सीमा की एज जो है वो आपकी 68 है। ठीक है, और अगर हम 68 का हाफ निकालेंगे तो कैसे, 2 3 6 होगा, है ना, 2 4 8 यानी 34। अब उसमें क्या 4 वर्ष ज़्यादा, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, 38 हो जाएगा। तो से किसकी उम्र है, तो किसकी उम्र है यहाँ पे, केशव की पत्नी रजनी की, किसकी है, रजनी, यहाँ पर आप लिखेंगे रजनी, है ना। ठीक, तो ये आप लिखेंगे रजनी। अब अगला देखते हैं कि दिनेश की उम्र के 4 गुने में 15 जोड़ दिया, दिनेश की उम्र में 15 यानी 4 गुने, तो 4 गुना करने पर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 4 गुने में 15 जोड़ दिया यानी 15 6 60। पहली बात, फिर दिनेश की उम्र कितनी है, 15, आपको पता ही है। अब उसमें जब हम 4 गुना प्लस करेंगे तो उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से, तो हमने जब 4 से मल्टीप्लाई की तो आपका कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, देखिए ये 15 ईयर्स जो है दिनेश की उम्र है, इसमें जब हमें 4 गुना जानना है तो 50 × 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 60। अब इसमें हमें 15 प्लस करना है, 15 प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 75। तो किसकी उम्र के बराबर हो जाएगी, तो किसकी उम्र के बराबर हो जाएगी, दिनेश के दादाजी की उम्र के बराबर, यानी वेद प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर आपको वेद प्रकाश लिखना है। तो ये है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी थी डे 22 की एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलते हैं आपको डे 23। और कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि यहाँ पर मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, तो सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, आज से ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी होगी। और आप अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और आप सब मेरे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो आज जैसा भी है मैंने कोशिश की है कि क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जाए, साथ साथ में वॉइस का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आई है, फेस करनी पड़ी है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।